गरीबों का दिल हूँ वतन की जुबान, गरीबों का दिल हूँ। वेलकम्स डियर व्यूअर्स, टुडे माय कंटेंट्स अबाउट 1954 सुचौन की फिल्म्स आब हयात की हम बात करेंगे, जिसमें सरदार मलिक ने मुखर्जी को एक गीत दिया था और मुखर्जी का ये खुद लिखा हुआ एक गीत है, क्योंकि मुखर्जी गीत संगीत को बहुत अच्छी तरह समझते थे, तो वो उनकी हम आज चर्चा करेंगे और एक ऐसा गीत जिसको बाद में बहुत सुपर हिट गीत रहा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाउ टैलेंट ब्रॉट टू प्रैक्टिकल हिंदी गीत संगीत गिव टू इंफॉर्मेशन। दोस्तों 1954 की एक फिल्म थी जिसमें ये गीत बहुत सुपर हिट्स रहे और उसकी हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की जुबान। दोस्तों इसमें म्यूज़िक प्रोड्यूसर को जो 1954 में ये चाहिए था कि भारी उनको उस वक्त आवाज़ के लिए जिसके गले में आवाज़ हो, उसमें म्यूजिक्स में जो है आवाज़ फिट्स बैठती हो, तो उसमें किशोरदा गाने वाले थे और इस गीत को किशोरदा को नहीं दिया गया और बाद में जो है ये गीत जो हेमंत कुमार को दिया गया और हेमंत कुमार ने इस गीत को दोस्तों गाया। अगरचि किशोरदा के चाहने वाले इस गीत को अगर उसकी आवाज़ में होता तो और फिट आवाज़ रहती, लेकिन ये गीत फिल्म्स शख्स ने उनको ये समझा कि ये गीत उसकी आवाज़ पे बहुत फिट रहा और बाज़ औक़ात सिंगर को गीत नहीं दिए जाते, और जिससे जो है इस गीत की बहुत चर्चा हुई और ये गीत सुपर हिट सॉन्ग्स रहा, जिसमें कई इस गीत के अंतरों को बदलना भी चाहा लेकिन नहीं बदले। और ये गीत मैं गरीबों का दिल हूँ, दोस्तों ये गीत अपने ज़माने में बहुत सुपर हिट्स गीत संगीत रहा, लेकिन किशोरदा की अगर आवाज़ में होता तो और भी सुपर हिट रहा। बेकसों के लिए प्यार का समां, मैं गरीबों का दिल हूँ। दोस्तों ये सरदार मलिक क्योंकि ये अच्छी तरह जानते थे कि गीत संगीत के लिए जो है एस मुखर्जी का लिखा हुआ गीत जो अपने ज़माने में बहुत कामयाब रहा, तो ये एस मुखर्जी का ये गीत संगीत जो फिल्म इंडस्ट्री को अच्छी तरह समझते थे, ये गीत संगीत उसकी बनाई हुई थी और उनकी हम आज ने थोड़ी बहुत चर्चा की। तो आज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक फॉर वॉचिंग।